प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सिलेबस का जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपोलेशन। इससे बच्चों आपके एग्ज़ाम में लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल या थोड़ा टफ वो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पक्का आता है। तो ये स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। वैसे बच्चों इंटरपोलेशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक इक्वल इंटरवल के और एक अनइक्वल इंटरवल के। इक्वल और अनइक्वल इंटरवल क्या होता है, जहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू होती है यदि उनका डिफरेंस जैसे ये चल रहे हैं तो ये आपके इक्वल डिस्टेंस पे चल रही है तो ये आपके इक्वल इंटरवल होंगे। हाँ, यदि इनके बीच का गैप इक्वल ना हो, अलग अलग हो, तो वो अनइक्वल इंटरवल होगा। तो जो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे आज हमारी जो दो टॉपिक है, एक तो इंटरपोलेशन और एक एक्सट्रापोलेशन, इन दो का पहले बेसिकली आपको मतलब समझना है, फिर इनसे रिलेटेड फॉर्मूला और देखकर कोई क्वेश्चन करते हैं इनसे, जिससे टॉपिक आपके बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। लेकिन सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको एक तो इनके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, आपको इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। तो इंटरपोलेशन क्या होता है बच्चों, देखो मान लीजिए आपको x और fx का कोई डाटा गिवन है, x1 x2 x3 ये, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y1 y2 y3 y4 ऐसे चल रही है, ये xn और ये yn। इंटरपोलेशन हमारा अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, अंतर्वेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको क्या करेगा वो इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके डाटा जो भी है उसमें मान लीजिए आपका जो x4 के ऊपर y की वैल्यू मिसिंग है, x4 जो आपका पॉइंट है उसके ऊपर y की वैल्यू क्या है मिसिंग, y4। तो आपको ये वैल्यू ज्ञात करना, यानी इन्हीं डेटा जो आपको दिया गया है उन्हीं डेटा के बीच में किसी पॉइंट की वैल्यू बताना, क्या कहलाएगा इंटरपोलेशन। यानी जो प्रोसेस हम करेंगे उसे हम क्या कहते हैं इंटरपोलेशन कहते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब समझ आया, अंतर्वेशन का, यानी जो भी डेटा आपको दिया गया है उसके अंदर का ही कोई भी टर्म आपको मिसिंग दिया हुआ होगा, यानी उस एक्स के ऊपर या अलग कोई वैल्यू दे देगा वो, तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपकी वैल्यू होगी बीच की डेटा के बीच में यदि अंदर की है तो उसे आप क्या कहते हो अंतर्वेशन, और यदि वो डेटा के बाहर की है तो उसे आप क्या कह दोगे एक्स्ट्रापोलेशन यानी बहिर्वेशन। बस समझ आई कि अंतर्वेशन और बहिर्वेशन का मतलब क्या हुआ, तो क्लियर दिमाग में बिठाइए कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल क्या हो जाएगा कि जब आपको डेटा दिया हुआ हो और उन डेटा के बीच की कोई वैल्यू आपको पूछ ली जाए, एक्स की वैल्यू दी और उसके अकॉर्डिंग वाई की, तो वो प्रोसेस क्या बोली जाती है इंटरपोलेशन यानी अंतर्वेशन, और यदि वो वैल्यू बाहर की हो तो उसको हम क्या कह देते हैं एक्स्ट्रापोलेशन यानी बहिर्वेशन, ठीक है। अब कुछ बच्चे के माइंड में एक बात आ रहा होगा, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सीधी, लेकिन मतलब सीधी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। हाँ, सीधी वैल्यू तब निकाल सकते हो जब वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन हो। सॉरी बच्चों, माफी चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर भी आप डायरेक्टली वैल्यू कब निकाल सकते हो, जब फलन दे दिया जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई। यदि आपको फलन दिया होता तो आप क्या करते, एक्स की वैल्यू यहाँ रखो सीधी वाई की वैल्यू निकाल लो, लेकिन एक टेबल देनी हुई होने पर और उसके मान कुछ इस तरीके से होती हैं जहाँ पे हमारे लिए बच्चों फलन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यदि हम फलन बना के कर लें, हाँ बच्चों ये एक मेथड जरूर है भाई, यदि मैं उसका फलन ज्ञात कर सकूँ ना तो वो मेथड जरूर है भाई। आपका एक मेथड ये भी है इंटरपोलेशन ज्ञात करने का कि आप उस फलन को ज्ञात कर लो कैसे न कैसे। अब कई बार तो क्या होगा, जैसे आपको फलन देखते ही पता चल गया, जैसे मान लो यहाँ पे हो एक्स एफ एक्स हो 1 2 3 4 5, मान लो ये दिया है यहाँ पे 1 4 9 16 25, आपको कुछ ऐसा देकर डेटा दिया हुआ, तो फिर तो आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है,
फिर यह जी मान लो यहाँ पे 3.1 पूछा है, तो आप 3.1 का स्क्वेयर कर दो जो कि 9.61 होता है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब डेटा इस तरीके का हो जहाँ पे जो फलन है वो डायरेक्टली नहीं बन पाई, तो क्या करोगे? जहाँ पे आपका जो फलन है वो डायरेक्टली यदि वहाँ पे नहीं बन पाई तो क्या करोगे? प्रॉब्लम आ गई ना। नंबर एक बच्चों इसके ये मेथड भी है जो आपकी बुक में आपको दिए हुए मिल जाएंगे। सबसे पहले एक आता है इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होगा तो क्लियरली जैसे मैं आपको समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि मान लीजिए आप किसी फलन का एग्जैक्ट ग्राफ बना लेते हो x1 to xn, मान लीजिए ये आपका x1 पॉइंट है और ये आपका xn पॉइंट है, और जस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपका फलन कुछ का ग्राफ ऐसा आया है। यदि आप ग्राफ बना लेते हो तो क्लियरली पॉइंट कहाँ पे भी मैं पूछूँ आप डायरेक्टली कंपेयर करके मुझे वैल्यू बता दोगे, ठीक है? डायरेक्टली वैल्यू बता दोगे नहीं बता दोगे? बता दोगे ग्राफिकल मेथड से। तो कई बच्चों माइंड में कैसे फिर ग्राफिकल मेथड यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों ग्राफिकल मेथड से जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि देखो आप खुद सोचो कि जो दो पॉइंट है इनको यदि मैं मिलाता हूँ तो देखो इनके बीच का जो झुकाव है वो कम ज़्यादा ऐसे कैसे भी तो आ सकता है। अब हमें क्या पता कि वो इस पॉइंट से इन दो पॉइंट के बीच यदि मिसिंग है तो कैसे आए, एग्जैक्टली तो नहीं पता। हाँ बाकी जो ग्राफ की नेचर है वो देखने पर एक अनुमान जरूर हो जाता है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं पूछ पाते जिस वजह से हम ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करते, फलन बनाने वाला मेथड यूज नहीं करते। यानी जो फंक्शन मेथड है आपका वे आप जो फलन बनाते हो वो मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि फंक्शन बनाना काफ़ी टिपिकल हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। एक आता है कर्व फिटिंग मेथड। वक्र का निरूपण करना, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट बनाना, लेकिन ये भी काफ़ी कठिन काम हो जाता है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, जो डिफरेंस हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर डिपेंडेबल मेथड है जिसके अंदर न्यूटन लैग्रांज अलग अलग मेथड है। तो ये बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूले के द्वारा। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे आज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे कि दिए गए फंक्शन वैल्यू को एफ ए प्लस एन एच मानेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपका एक्स है, ये वाई है, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री, ये एक्स फोर, इस तरीके से चल रहे हैं। ये वाई वन, ये वाई टू, ये वाई थ्री, ये वाई फोर, इस तरीके से चल रहा है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को क्या मान लिया ए, और जो मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे एग्जाम्पल मान लो मुझे एक्स फोर चाहिए तो इसको मैं क्या कर लूँगा ए प्लस एन एच। बस समझ आई? इसको मैं क्या मानूँगा ए प्लस एन एच के इक्वल। एच यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, इंटरवल भी। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो इक्वल इंटरवल है तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, तो एच फिक्स हो गया। यानी क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए मानेंगे, ए प्लस एन एच यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर आपको वैल्यू पता करनी है वो आपका ए प्लस एन एच है, ठीक है? एच वो इंटरवल है तो एन यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना। तो जब ए आने बाद यदि आपको याद हो इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक बार ई की पावर एन एफ एक्स, यदि आपको फर्स्ट चैप्टर याद है तो ऐसा लिखा जा सकता है। और e को i प्लस एन लिख सकता हूँ, तो इसका प्रसार करूँगा तो i की पावर n एन सी वन डेल प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर एन सी थ्री डेल क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या?
एफ एक्स प्लस एन सी वन डेल एफ एक्स प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर एफ एक्स, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। एक्स की जगह ए पुट कर दो तो ये ए, ये ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब कईयों के माइंड में आएगा सर इस तरीके से तो ये फॉर्मूला आगे चलता रहेगा, तो आगे चलता नहीं रहेगा, आप जहाँ तक डेल है वहाँ तक निकाल लो। ये फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना है, जहाँ तक आपका डेल चलेगा। डेल यदि तीन घात तक के मान आ रहे हैं तो आप डेल क्यूब तक आओ, डेल स्क्वेयर तक के मान आ रहे हैं तो डेल स्क्वेयर तक के आओ, ठीक है, बस समझ आ गई होगी। बस ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। हाँ, कैलकुलेशन जरूर है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फंक्शन कैसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा लिखेंगे, तब आप दिमाग में बैठा लेना। हाँ, बाकी बच्चों फॉर्मूला बना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, तो आपकी बुक के ही क्वेश्चन को उठाते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल नंबर वन से आराम से समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर वाई 3.62 का आकलन कीजिए। तो एग्जांपल वन, एक्स दे दिया आपको, वाई दे दिया, एक्स की वैल्यू है 3.60 से स्टार्ट होती है, 3.65, 3.70 एंड 3.75, ठीक है, और वाई है 36.598, 36.598, फिर है 38.475, 38.475, नेक्स्ट है 40.447, और फिर नेक्स्ट है 42.521। तो ए आपको समझ आ गया होगा भाई, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपका ए होगा, और आपको वैल्यू चाहिए वाई 3.62 की। तो ए यदि आपका 3.60 है, ठीक है, एच आपका 0.05 है, और ए प्लस एन एच आपका 3.62 है। बात समझ आ गई या नहीं है बच्चों, आराम से यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसकी जगह 3.60 एन इंटू 0.05, 3.62 ये माइनस का आएगा, ये डिवाइड में तो एच आ जाएगा, 0.02 अपॉन 0.05, यानी 2/5, यानी एक हिसाब से आ जाए 0.4, यानी जो एच है, सॉरी बच्चों एन, एच नहीं एन, एच तो गिवन है, एन मेरे पास कितना आ जाएगा 0.4, तो सर चलो तो इतनी बात समझ आ गई। यानी इंटरपोलेशन में यहाँ पे बच्चों देखो कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ आपको मैंने कहा था कि कैलकुलेटर, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसी आ जाएगी पॉइंटों में, इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है जहाँ पे आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हाँ तो वो थोड़ा यूज करना भी आना चाहिए। सबसे पहले है डेल वाई, डेल वाई का मत आप जानते हो, वाई 2 - y1, y3 - y2, और तो इससे बच्चों जब आप इसको माइनस करो तो मैं डायरेक्टली इससे देख के लिख रहा हूँ, ये आएगा 1.877, 1.877 कब आया, जब आप इससे ये माइनस करोगे, ठीक है, इससे ये माइनस करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट आएगा 1.972, ठीक है, और फिर जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 2.074, ठीक है, कैसे आया, इससे ये माइनस करो ये रिजल्ट आएगा, इससे ये माइनस करो ये आएगा, इससे ये माइनस करो ये आएगा, ठीक है। ये आपका डेल वाई ए, इसको डेल वाई ए बोला जाता है, यदि ये है ये बोला जाएगा वाई ए, कई बार बुक के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ए का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो वैल्यू आपकी स्टूडेंट ए है, ठीक है।
फिर बारी आती है डेल स्क्वायर वाई की, डेल स्क्वायर वाई यानी इससे ये माइनस करना, तो जब इससे माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.095 आना चाहिए, सही है, आएगा 0.095, ये 0.98 के आसपास आना, 0.102, ठीक है, 0.102। किसी बच्चे के एक बार दिमाग में आ रही है सर आप तो देख के लिख रहे हो, बच्चों देखो मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ कहो तो एक एक पार्ट मैं माइनस करके बता सकता हूँ, हाँ बाकी रिजल्ट ये है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस, बच्चों यहाँ पे इस पेपर की खासियत यही होगी कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेटर जरूर आपके पास होता है लेकिन उसके ऊपर जो आपकी टाइपिंग स्पीड है या कैलकुलेट करना वैल्यू को लिखना वो सब स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन बच्चों इसके क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी डेल स्क्वायर वाई ए की, और लास्ट फुल एंड फाइनल डेल क्यू वाई, इससे माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.007, ये आ जाएगा डेल क्यूब वाई। आराम से देखो बच्चों, बोले टेबल बनानी समझ आई या नहीं, आराम से देखिए टेबल को, सबसे पहले क्या किया, इससे ये माइनस किया, यहाँ पे वैल्यू ले ली, फिर ये माइनस किया और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाई ए होता है, ये प्लस वन, ये वाई ए प्लस टू, हाँ आगे जो हमारे फॉर्मूले आएंगे उनमें मेन की भी जरूरत पड़ेगी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो वाई ए, फर्स्ट वैल्यू है वो वाई ए, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना न्यूटन के अगर अंतर्वेशन सूत्र, उसके अंदर हमें इन्हीं स्टार्टिंग वाली वैल्यू का यूज करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए प्लस एन एच का जो बच्चों फॉर्मूला था वो क्या था, एफ ऑफ ए प्लस आता है एन सी वन, एन सी वन की वैल्यू होती है एन डेल एफ ए, एन सी टू वो होता है एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए, और नेक्स्ट आ जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तब बच्चों मैंने एक बात रिपीट की थी, कईयों के माइंड में एक कन्फ्यूजन होता है कि सर ये डेल क्यूब तक जाएगा आगे कहाँ तक जाएगा, हमें कैसे पता चले, तो जिनके माइंड में ये बात आ रही है तो वो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास डेल क्यूब से ज़्यादा मान ही नहीं आ रही है, भाई आप इस क्वेश्चन को देखो कि आपके पास डेल क्यूब से ज़्यादा मान आ रही है कि इस क्वेश्चन में, भाई आप जो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आप डेल क्यूब से आगे जा सकते हो, तो आपसे कितने भी प्रयास करो आपके पास डेल क्यूब से ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, तो फॉर्मूला भी डेल क्यूब से आगे नहीं बढ़ाना है आपको, फॉर्मूले को डेल क्यूब पे ही रखना है, ठीक है, तो अभी सारी वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ ए स्टार्टिंग ए रख 36.598 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.4, डेल एफ ए है 1.877, एन 0.4, एन माइनस वन यानी माइनस का 0.6, टू फैक्टोरियल टू होगा और ये आ जाएगा 0.095, ये 0.4 माइनस का 0.6 और माइनस का 1.6 अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है बच्चों 6 और ये आ जाएगा 0.007, क्लियर हो गई इतने बात। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, अब बात किसकी आ जाती है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन की रह जाती है, अब इतनी बात तो आप सब कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड करके सॉल्व करना, तो क्या बुक से देखकर सीधा यूज कर लूँ वैल्यू, तो जब सीधा आप रिजल्ट लिखोगे तो ये आएगा आपका 37.337 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट ही आ रही है, हाँ लेकिन लगभग एग्जेक्टेबल वैल्यू है, यानी सुटेबल वैल्यू है, वहाँ पे कोई ना कोई इसमें त्रुटि रहती, वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता यदि मैं बाकी मेथड यूज़ करता तो, क्योंकि कोई बच्चा कहता है सर ग्राफ बनाए तो इसमें फलन बनाना, तो बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, ग्राफ बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो छोटे छोटे पॉइंटों में वैल्यू ना उनको, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ही चेंज होती है, क्योंकि 3.60 इनको जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाएगा ये, तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया नहीं है, आराम से देखिए क्वेश्चन दिमाग में फीड हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है, सिर्फ आपको ये प्रोसेस याद रखनी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए न्यूटन ग्रेगरी अंग अंतर्वेशन फॉर्मूले से रिलेटेड, तो आपको ऐसे वैल्यू दी हुई मिलेगी टेबल,
आपको क्या करना है, ये वैल्यू और ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर, बात दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये बच्चों एक और क्वेश्चन है इसी तरीके, एग्जाम्पल नंबर 3 वो करते हैं, ठीक है। देखिए आगे फॉर्मूला याद रह जाएगा और बच्चों कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ही आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके, क्योंकि इस पेपर के अंदर जो आपकी कैलकुलेशन है वही आपके नंबर बनाएगी। नंबर ऐसे बनाएगी कि यदि आपकी कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन सही होगा, हाँ, और यदि आप कैलकुलेशन में बार बार में मिस्टेक कर रहे हो तो बच्चों फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, थोड़ा ध्यान से और स्पीडली, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ही काफ़ी ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा आपको, तो आप में टाइम भी बचाना है। चलिए फॉर्मूला एक बार यहाँ पढ़े, आगे का जो क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं। आगे वैल्यू दिए बच्चों आपको कि आपको दिया गया जैसे व्यास दे दिया और एक क्षेत्रफल दे दिया उनका 80, 85, 90, 95, 100, ये आपको दे दिया व्यास, ठीक है। और इनके जो क्षेत्रफल दिए हैं वह हैं 5026 5674 और जो लास्ट है वह है 7854 कुछ ऐसा। तो ये बच्चों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको मान के एक का पता चल गया होगा, एक का मान कितना है 80, और मान किसके लिए बताना आपको, जो व्यास व्यास हो, यानी जब ए प्लस एन एच 82 हो तब बताना है। तो एन एच कितना हो जाएगा 80 माइनस हुआ 2, एच कितना है 5, तो एन आएगा 2/5 यानी 0.4 तक, वही वैल्यू आई है एन की। तो हाँ टेबल बना लेते हैं, तो इससे 674 से 26 जाएंगे तो आ जाएगा 648। बाकी बच्चों ये बुक से देख के लिख देता हूँ, 688 इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 688, और ये आएगा 738 प्लस 88 हो जाएगा 600 726, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 766, ठीक है। तो सब जो टाइमिंग बचाने के लिए मैंने बुक से देख के लिखा है, बाकी आप माइनस कर सकते हो, सिंपल है, ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे माइनस करोगे तो आना चाहिए 40, ये 12×26 हो जाएगा 38, और ये आ जाएगा 40। इससे माइनस किया तो माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो डेल 4y कुछ ऐसा, बात समझ आ गई। यानी तो यहाँ पे आप देखो तो आपका जो फॉर्मूला है वो डेल 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आगे आएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 f। तो बच्चों आप आराम से देख सकते हो आपके पास ये y एक यानी f a, सीधा f a मान लो इसको, ये आपका डेल f ऑफ a, ये आपका डेल स्क्वेयर f ऑफ a, ये डेल क्यूब f ऑफ a, और ये आ गया डेल की पावर 4 f ऑफ a। इनकी वैल्यू आपके पास ये रही, सारे बच्चों मान आपके पास है। अब आपका काम सिर्फ कैलकुलेशन है, यदि कैलकुलेशन कर लोगे सही तो आपका इसका आंसर सही आ जाएगा, और यदि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तो बच्चों फिर आंसर में दिक्कत रहेगी। तो जो आपका जो होमवर्क है मेरी तरफ से ये है कि जो इस न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आप घर पर आप ट्राई करके देखोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, यहाँ पर नंबर चेंज होगी, हाँ ट्राई करने मतलब आप इनकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बन जाए, फॉर्मूला माइंड में फिट हो जाए और कैलकुलेशन स्पीड बन जाए। यदि दो चीज़ें हो जाती है तो मान के चलो बच्चों आपको इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम भैया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका न्यूटन गेगरी पंचतंत्र सूत्र अंतर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।